हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप की कमिंग 24 आवर्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है। आपके लव लाइफ के लिए अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे। तो स्टार्टिंग के शफल डेक से मैं टू कार्ड्स लूंगी आपकी तरफ एंड टू कार्ड्स लूंगी मैं आपके पर्सन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी तरफ आया है हर्मिट, नेक्स्ट इज द डेथ। ओ, आज के दिन में कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो सकती है, अपने रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो, ऑलरेडी ड्रेन्ड एनर्जी हो। इवन आज के दिन में आपका मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाए अपने रिश्ते को लेकर, पार्टनर को किसी और के साथ देख लें, पार्टनर को ऐसा देखें आप कि आपके पार्टनर तो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है आपके अंदर। बहुत ज्यादा एंजाइटी से डील करने की वाइब्स है, जैसे आप ये डिसीजन लें कि मुझे सब कुछ खत्म करना है, मुझे उससे कोई होप नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके साथ में। मतलब ओवरली नेगेटिव एनर्जी आपकी हो सकती है आज के दिन में, क्योंकि किसी तरीके के चेंज का इशारा है आपके रिश्ते में, ठीक है। आप किसी तरीके के एक आइसोलेटेड सिचुएशन की वजह से फियरफुल अवेकनिंग को फेस कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्स है यहाँ पे कि आप अपने कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव बिहेव करेंगे। ऐसा क्यों होगा एंजल्स? द स्टार, अपनी विशेष को पूरा करने के लिए जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो रही हैं, उन चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा खींच सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो आप सोच रहे हैं वो हो जाए। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो पूरा हो जाए। मोर ओवर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पॉजिटिविटी के साथ डील करें और उनके साथ इस रिश्ते में पार्टनर की तरफ से कुछ पॉजिटिव चीजें भी घटित हों, ठीक है। तीनों मेजर अरकाना आए हैं ये निकल के। आपके पार्टनर की तरफ आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके साथ सेपरेशन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं, हाथ में पैसा नहीं है, किसी तरीके के लॉसेस से गुजर रहे हैं, या इवन आपके साथ जो सेपरेशन हुआ है उसकी वजह से काफी ज्यादा दुख तकलीफ को फेस करें। इवन ये बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर सकते हैं आज के दिन में, बिल्कुल बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अपनी लाइफ में से स्पार्क खत्म हो गया है। इवन अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी और के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, आपके रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है एंड यू ऑलरेडी न्यू अबाउट दैट पर्सन, तो यहाँ पे वाइब्स ऐसी हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से कोई ट्रिगर खाएं और थर्ड पार्टी से के ऊपर से इनका विश्वास टूट जाए, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि ये थर्ड पार्टी से काफी ज्यादा नाराज हो और इन्हें ऐसा लगे कि जो भी था सब दे दिया, गवा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। और गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स की तरफ। फोर ऑफ सोर्ड्स, आज के दिन में कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हो सकते हैं कि आपके साथ ब्रेकअप करें, शायद इसीलिए आपकी ये एनर्जी थी। इवन ब्रेकअप कर लें या आपको अचानक से चीट करें, आपको चीट करते हुए कहीं पकड़े जाएंगे, ठीक है। कहीं सोशल मीडिया पे आप स्टॉक कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है और आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके चल रहे थे तो ये आपका विश्वास तोड़ सकते हैं। हीलिंग की एनर्जी से गुजरेंगे, मतलब चोरी चोरी ऊपर से सीना चोरी, आप पकड़े आप बोले तो ये उल्टा आपको ही डांट दें, आपको ही सुना दें, ठीक है। आंखों में धूल झोंकने की एनर्जी है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ना कैसी एनर्जी है, कितना नेगेटिवली हंस रहा है ये बंदा। तो यहाँ पे कपल भी आया है, वैसे आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ कपल रिलेशनशिप में है, मैरिड है, रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, जो भी कनेक्शन आपका है, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो सकता है आज के दिन में। कुछ लोगों से ये एनर्जी इस तरीके से रेजोनेट कर सकती है कि काफी समय से 4-5 महीने से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो आज के दिन में रीयूनियन हो जाए या इनकी तरफ से आप छोटा या बड़ा जेस्चर फुल ऑफ अफेक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। बट एनर्जी दोनों ही तरह की है तो अवेयर भी रहना आपका काम है, जिससे आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके चले और नेगेटिव ना हो। स्पेशली 4 से 5 घंटे की एनर्जी आपके लव लाइफ के लिए हैवी हो सकती है रीडिंग जब भी आप देखेंगे, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपके रिलेशनशिप की कमिंग 24 आवर्स की एनर्जी। होप इससे आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।